आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने आकर के जो इस किसान सम्मेलन की शोभा बढ़ाई है उसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर जी, यहाँ के विधायक सुभाष जी, विशंबर जी पूनिया, दिनेश जी दावाई, यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोहनलाल जी गुप्ता, सम्मानित मंच और मेरे बाई तरफ बैठे हुए सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य और पूर्व सरपंच, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने एक छोटे से निवेदन पर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आशीर्वाद देने पहुंचे। मैं कांग्रेस सरकार से पिछले कुछ दिनों में हुई ओलावृष्टि और अतिवृष्टि की मांग को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आप सभी लोग आए हैं। साथ ही मैं इस यहाँ के स्थानीय विधायक जो पूर्व विधायक है उनको भी एक बात बता देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो VCR भरने की कला, लोगों के खिलाफ मुकदमे करने की कला, वो चीज अब सूरजगढ़ विधानसभा आज के बाद नहीं सहेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एक साथ होकर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से सूरजगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी। आप सभी की तालियों के साथ मैं आश्वासन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहता हूँ। साथ ही मेरे सामने बैठी मातृशक्ति से भी आग्रह करना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले विवेक भाई ने कहा था जय जवान जय किसान, जितने भी यहाँ किसान भाई हैं उन सबके परिवार में एक फौजी आदमी है। मैं भी पहले फौज में था, पिताजी भी थे, दादाजी खेती करते थे। किसान और जवान के बिना इस देश की ना तो रक्षा की जा सकती है ना ही इस देश के समाज किसी भी दूसरे समाज को अनाज दिया जा सकता है। मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो भाई अभी यहाँ पे कह रहे हैं आपकी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी, शांति से आप 15 मिनट बैठे रहें, एक भी भाई अपनी जगह से खड़ा नहीं हो। पिछले दिनों जो अतिवृष्टि उसके बाद अभी ओलावृष्टि हुई है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, पदाधिकारियों ने बुआड़ा, सूरजगढ़, झुंझुनू जिला कलेक्टर सबको ज्ञापन देकर के मांग की थी कि गिरदावरी की जाए और हमें मुआवजा दिया जाए, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आप सभी लोगों से पुनः विनती करता हूँ कि जब भी आगे किसी भी किसान सम्मेलन की या ऐसे दूसरे किसी आंदोलन की अगर बात चले तो जिस हिसाब से आप लोग आज आए हैं उससे भी ज्यादा संख्या में आकर के हमारे कंधे मजबूत करें। जो भी सरपंचगण यहाँ मौजूद है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी यहाँ स्टेज पर सरपंच हैं, सिर्फ एक फोन मात्र के बुलावे से ये लोग यहाँ पे आए हैं और जो सामने बैठे मेरे भाई बंधु हैं, इनको तो सिर्फ एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज से या प्रचार की वजह से ये लोग आए हैं। आप लोगों का मेरे ऊपर जो इतना आशीर्वाद है उसका हमेशा मैं मान सम्मान रखूंगा। आपका ये बेटा भाई आपके लिए हमेशा आपसे आगे तैयार मिलेगा, आप कभी भी मेरी जरूरत हो आधी रात को मुझे याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। एक छोटी सी चीज, आप जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं एक बार बाबा लिखमीदास जी महाराज का जोरदार जयकारा लगाएंगे, उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा लिखमीदास जी महाराज की, दोनों हाथ ऊपर करके, जोश नहीं दिखाई दिया इतने बड़े जन सलाम की आवाज कम से कम 100 किलोमीटर तक जानी चाहिए। बाबा लिखमीदास जी महाराज की, बाबा लिखमीदास जी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।